नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति जब से हुई है, कांग्रेस में बगावत के सुर दिखने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में कांग्रेस में तूफान मचा हुआ है। जब से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर करण माहरा की नियुक्ति हुई है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यशपाल आर्य की नियुक्ति हुई है, तब से हर तरफ नाराज़गी है। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लगभग मसूरी और चमोली से 100 कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस्तीफ़ा दे दिया है। कई खेमे ऐसे हैं जो नाराज़ हैं। आपको बता दें कि एक महीने पहले ही विधानसभा चुनाव 2022 के जब नतीजे आए थे, उसके बाद कांग्रेस को एक करारी शिकस्त मिली थी भाजपा द्वारा। हार के गम से कांग्रेस उभर भी नहीं पाई थी कि अचानक से फिर से कांग्रेस में इस तरह का एक तूफान मच गया है। कांग्रेस हाईकमान ने इस बार क्षेत्रीय समीकरण साधने की जो परंपरा है उसको तोड़ते हुए इस बार जो जितने भी नियुक्तियां उन्होंने की है, चाहे वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर करी हो या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर करी हो या नेता उपसदन के तौर पर करी हो, सभी की सभी नियुक्तियां कुमाऊं से की हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो इस बार गढ़वाल से कोई भी नियुक्ति नहीं है और गढ़वाल के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और विधायक हैं उनमें इस चीज़ को लेकर बहुत ही नाराज़गी है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें प्रीतम सिंह खेमे की, तो उनको इस बात को लेकर बहुत नाराज़गी है। और आखिर नाराज़गी हो क्यों ना, क्योंकि जिस कद के नेता प्रीतम सिंह हैं, उनको ये माना जा रहा था कि उनको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी जाएगी, पर इस बात को नज़रअंदाज करते हुए उनको ये कुर्सी जो है वो यशपाल आर्य को दी गई है। यशपाल आर्य इससे पहले भाजपा में मंत्री के तौर पर रह चुके हैं 2017 में, और इस बार भाजपा से कांग्रेस में आने के बाद भी उनको एक बड़े जो जिम्मेदारी है उनको वो बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। माना जा रहा था कि जो ये जिम्मेदारी है वो प्रीतम सिंह को दी जाएगी, पर ये जिम्मेदारी उनको ना देने के बजाय कांग्रेस हाईकमान ने ये जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दी है। इस बात को लेकर सभी खेमा जो प्रीतम सिंह खेमा है वो नाराज़ हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो इस नियुक्ति को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। यहाँ तक कि द्वाराहाट के जो विधायक हैं मदन सिंह बिष्ट, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि जो हाईकमान है उसको ही बदल देना चाहिए, वो ही निकम्मा है, और कांग्रेस हाईकमान पर उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। अगर हम कांग्रेस मुख्यालय की बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय में भी इस कदर से सन्नाटा छाया हुआ है। नहीं, अब मुझे बड़े स्तर पर बड़े नेता कहीं कोई बगावत नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कुछ कार्यकर्ता हैं जो सोशल मीडिया पर मुखर होकर लिख रहे हैं, इस्तीफों की बात कर रहे हैं। पहले तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कौन सा इस्तीफा? किसी के पास कोई पद है ही नहीं आज की तारीख में, कोई दायित्व नहीं है। जब प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं, पूरी कार्यकारिणी वैसे ही डिफंग हो जाती है। तो मैं भी निवर्तमान प्रवक्ता हूँ कांग्रेस पार्टी की, तो ऐसे में जो लोग अपने पदों से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, दायित्वों से मुक्ति की बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है बहुत नादान लोग हैं। पहले कांग्रेस का संविधान उनको पढ़ना चाहिए, कांग्रेस कार्यकर्ता आप तब कहलाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ मुझे नहीं लगता कि बड़े स्तर पर कोई ऐसी घटना होने जा रही है जिसके कयास लगाए जा रहे हैं। कुमाऊं गढ़वाल वाद जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। 22 साल का उत्तराखंड हो गया, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। 8 महीने तक कांग्रेस पार्टी के दोनों मुख्य पद गढ़वाल रीजन के व्यक्तियों के पास थे। मैं दोनों के प्रति पूरे सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं अपमान करना मेरा मकसद नहीं है, आपको ऑफेंड करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन क्योंकि बात से बात निकली है इसलिए बताना ज़रूरी है, फैक्ट देना ज़रूरी है। 7-8 महीने से माननीय गणेश गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष और माननीय प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष दोनों गढ़वाल रीजन से थे, उस वक्त कुमाऊँ से कोई नहीं था। तो ऐसे में कोई भी विरोध कुमाऊँ से नहीं हो पाया, तो ये क्यों खाई पैदा की जा रही है? ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये उनका अपना परसेप्शन है। माने मदन बिष्ट जी मेरे सम्मानित बड़े भाई हैं, बहुत आदर बहुत सम्मान उनके लिए मेरे मन में है, लेकिन क्योंकि वो सम्मानित विधायक हैं द्वाराहाट विधानसभा के, ऐसे में उन्होंने अपनी बात कही है और ये उनकी सोच हो सकती है। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले के बाद से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय की जो तस्वीर है वो बदरंग सी हो गई है। सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये जो गढ़वाल और कुमाऊं है उसके बीच की खाई कैसे पैदा हो गई है। इन नियुक्तियों के बाद से जो इस्तीफों को लेकर बात आ रही है कि और कार्यकर्ता है मसूरी और चमोली से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी गढ़वाल मीडिया प्रभारी जो हैं गरिमा दसौनी जी, उनका कहना है कि इन इस्तीफों का कोई
औचित्य ही नहीं है, क्योंकि जब से जो निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष थे गणेश गोदियाल जी, उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया था तो ये जो कार्यकारिणी थी वो भंग हो गई थी। तो इस्तीफा को जो बात हो रही है उसको लेकर कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कोई भी पद, कोई भी कार्यकर्ता भी किसी भी पद पर नहीं है। अभी देखना यह है कि जो इस तरह की जो खबरें उठ रही हैं कि बहुत सारे जो विधायक हैं वो शायद अपना इस्तीफा दे सकते हैं, या कार्यकर्ता हैं वो अपना इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। साथ ही अभी प्रीतम सिंह जी की जो बात करें, उन्होंने भी अपनी नाराज़गी जाहिर कही है, की है। उन्होंने गुटबाजी को लेकर जो अपनी नाराज़गी है उसको लेकर ये कहा है कि इसकी जो जाँच होनी चाहिए, और अगर कांग्रेस आलाकमान को ये लगता है कि वो दोषी हैं तो वो खुद इस्तीफा देंगे। अभी देखना ये है कि कांग्रेस आलाकमान जो है इस फैसले को ऊपर क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन आशु के साथ रश्मि पवार महल, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।